सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एक्वेरियम वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। वेलकम टू एस जी इंसेप्शन योर एक्वेरियम चैनल। आई एम अगेन एट नाज एक्वेरियम इन द कुरला फिश मार्केट। और ये वाला एसेसरीज का जो पार्ट है दूसरा पार्ट है, इसके पहले वाला एसेसरीज का पार्ट आपको एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा। तो हमारे साथ एक और एक बार तब परवेश भाई हैं। तो परवेश भाई, कैसा रिस्पांस रहा था प्रीवियसली वीडियो के ऊपर? बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। मेरे को तो ऑल ओवर इंडिया से कॉल भी सारे थे और मैंने ऑल ओवर माल भी भेजा है। ओके, तो ऑल ओवर इंडिया आपको प्रीवियस वीडियो के ऊपर कॉल्स आए थे? हाँ, और काफ़ी अच्छा रिस्पांस, पॉजिटिव रिस्पांस आपको मिला। हाँ, तो बाय पॉपुलर डिमांड इसलिए हम लोग ने ये सेकेंड पार्ट किया है एसेसरी सेक्शन का, जिसमें जो बचा कुचा था चीज़ें वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सही कहा परवेश भाई? तो आप सबसे पहले क्या दिखाएंगे? मैं आपको ना टर्टल ट्रे दिखाऊंगा। टर्टल ट्रेस दिखाएंगे आप? टर्टल ट्रे। ओके, तो ये स्मॉल टर्टल ट्रे। अच्छा, छोटे से शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले। टर्टल ट्रे, इसके अंदर आप एक सिंगापुरी कछुआ रख सकते हैं। अच्छा, एक कछुआ इसमें आराम से रखेंगे? रख सकते हैं, आराम से रख सकते हैं इसको। ओके, कोकोनट ट्री भी दिया है, कछुआ यहाँ से चढ़ के ऊपर बैठ भी सकते हैं। अच्छा, तो कोकोनट ट्री भी उसको दिया हुआ है और मैं इसका दिया है इसको। ओके, और इधर से आप उसको तो इसको एक ढक्कन भी दिया हुआ है। ओके, फीडिंग करने के लिए। ओके, तो ये छोटा वाला टर्टल ट्रे है। तो भाई, इस वाले टर्टल टैंक का कितना प्राइस है? इसका 200 रुपीज़ है, यहाँ से आप फीडिंग वगैरह सब कर सकते हो। 200 रुपये का? ओके, इसको दिया हुआ है ढक्कन, उसमें फीडिंग का भी एक पार्ट है जो निकलता है राइट ऊपर से। अच्छा अच्छा, और नीचे जो है ऐसे स्लाइडिंग भी दिया हुआ है कि टर्टल अगर नीचे के लेवल में पानी डालेंगे तो ऊपर एक ड्राई एरिया वहाँ से मतलब ऊपर जा सकते हैं राइट। तो आपको कुछ अलग ट्रे वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी कॉम्पैक्ट और छोटा है। तो 200 रुपीज़ का राइट परवेश भाई? इसका एक साइज इससे बड़ा है। ओके, दूसरा वाला साइज है? अच्छा, इससे बड़ा है, आपको 300 रुपीज़ का है। ये 300 रुपये में आएगा? हाँ। ओके, इसको भी सेम दिया हुआ है, सेम सिस्टम दिया हुआ है सब कुछ, खाली थोड़ा साइज में बड़ा है। ओके, तो इसको भी एक नीचे एक प्लेन एयर जरा पानी डाल सकते हो और ऊपर एक ड्राई एरिया है, इसको भी ढक्कन है और उसके अंदर लेड वगैरह है जहाँ से आप फीडिंग कर सकते हो, और एयर और ऑक्सीजन के लिए वहाँ पे होल्स भी हैं। तो यहाँ पे भी अंदर कोकोनट ट्री, और आप देख सकते हो कि एक प्लेटफॉर्म किया हुआ है जहाँ पे टर्टल ऊपर जा सकता है, ऊपर कभी मन चाहे तो नीचे आ सकता है। तो ये परवेश भाई 300 रुपये का राइट? हाँ, ये 300 रुपये का, एक साइज इससे बड़ा आएगा। अच्छा, और एक साइज इससे बड़ा है? ये तीसरा टैंक है, इसमें आप 3 से 4 कछुआ रख सकते हैं। ओके, 3 से 4 कछुआ रख सकते हैं इसमें। तो इसमें सेंटर में दिया हुआ है जो प्लेटफॉर्म है, और फीडिंग कछुए को खाना डालने के लिए गैप भी दिया हुआ है इसमें। अच्छा, तो वो पार्ट में हम फीडिंग वगैरह डाल सकते हैं उनको। ओके, तो भाई ये कितने रुपीज़ का है? 350 रुपये का। 350 रुपीज़ का है, 350 रुपये का। इसमें 3 कछुए आ जाएंगे बराबर, 3 कछुए रह सकते हैं। ओके, उसके बाद ये आपके हाथ में क्या है? ये भी टर्टल ट्रे है, विदाउट कैप आएगा ये। अच्छा, ये टर्टल ट्रे है विदाउट कैप? विदाउट कैप है। ओके ओके, तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है अंदर? इसके अंदर भी दिया है, जैसा इसमें आप 6 से 7 टर्टल रख सकते हैं। अच्छा, इसमें फीडिंग के लिए आपको गैप दिया, पानी रखने के लिए भी दिया, और यहाँ ये साइड आप सैंड वगैरह डाल सकते हैं कछुए के। अच्छा, सैंड वगैरह डाल सकते हैं, मतलब पूरा मतलब एक सेटअप करके दिया हुआ है इस ट्रे में। अच्छा, तो इसमें फीडिंग के लिए भी एक एरिया है, सैंड डालने के लिए एरिया है, नीचे अगर आप पानी भी डाल सकते हो, लेवल दिया हुआ है, एक प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, और टर्टल को नीचे ऊपर जाने के लिए एक दिया हुआ अभी है इन्होंने। तो भाई ये कितने रुपीज़ का है? ये आपको 450 रुपीज़ का है। 450 रुपीज़, 450 रुपीज़ तक आएगा, 450 रुपये में ये आपको आएगा, काफ़ी बड़ा है और इसको काफ़ी मतलब अच्छे से स्पेसिफिकेशंस दिए हुए हैं। ओके, तो दूसरा आप कौन सा दिखाएंगे भाई हमको? ओके, तो ये बहुत ही बिग साइज है। तो ये आपके हिसाब से कितना फीट का रहेगा?
ये 2 फीट लेंथ है इसका। 2 फीट ओके। आप स्टार टर्टल वगैरह। अच्छा स्टार टर्टल्स जो बड़े बड़े टॉर्टोइस है स्टार टर्टल्स वगैरह वो आप इसके अंदर डाल सकते हैं। तो हमारे व्यूवर्स को मैं दिखा देता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या दिया हुआ है। तो इसके अंदर एक आप देख सकते हो कि प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, उसके अंदर टर्टल को ऊपर नीचे जाने के लिए भी स्पेस दिया हुआ है। तो भाई इसकी प्राइस क्या है? इसकी प्राइस 1500 रुपये की है, 1500 1500 रुपीज़ 1500 की इसकी प्राइस है। और इसको विथ कैप, ओके कैप भी दिया हुआ है और ऊपर ऑक्सीजन इनलेट आउटलेट के लिए स्पेस भी दिया हुआ है यहाँ पे, तो मतलब जब चाहे। ओके ये फीडिंग के लिए। अच्छा तो आप जब मन चाहे इसको निकाल सकते हो या रख सकते हो। तो इसकी प्राइस आपने बताई 1500 रुपये। ओके तो दूसरा टर्टल टैंक कौन सा है? ये क्या चीज़ है परवेश भाई? टर्टल टैंक है। अच्छा ये दोनों साइड से ओपन होता है। ओके दोनों साइड से ओपन होता है। दोनों साइड से ओपन होता है और इसको इधर से भी गैप दिया इसको ऑक्सीजन पास होने के लिए। ओके ये इसमें भी इसको बास्किंग प्लेटफॉर्म वगैरह सब बना के दिया। अच्छा बास्किंग प्लेटफॉर्म भी दिया हुआ है। अगर आपको पानी चेंज करना है तो ये कैप खोल सकते हैं, व्हाइट कलर का कैप दिख रहा है आपको। अच्छा इसको ओपन करके आप पानी डायरेक्ट यहाँ से ड्रेनेज कर सकते हैं। अच्छा तो इसको एक दिया हुआ है कैप, तो वहाँ से हम डायरेक्टली पानी चेंज कर सकते हैं। हाँ तो पूरा मतलब निकालने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली दिया हुआ है। ओके तो ये हम जैसे कि देख सकते हैं और इसको 2 ढक्कन दिए हुए हैं जो निकल सकते हैं। और इसके अंदर आपके हिसाब से कितने टर्टल्स रह सकेंगे? इसके अंदर आपको 3-4 टर्टल रख सकते हैं। 3-4 टर्टल्स रख सकते हैं। ओके तो ये तो काफ़ी सेटअप, अच्छा सेटअप है टर्टल का। टर्टल सेटअप टैंक है काफ़ी काफ़ी अनकॉमन टैंक है और पूरा मतलब जैसा बनाया हुआ है आपको, और काफ़ी अट्रैक्टिव भी है, इसकी जो बनावट है काफ़ी खूबसूरत है। तो भाई ये टर्टल टैंक कितने का है? ये आपको 2500 का। कितना? 2500 2500 में 2500 में आपको ये पूरा सेटअप आएगा। हाँ। जिसके अंदर 2 लेट्स हैं और अंदर पानी आउटलेट इनलेट के लिए भी जगह है और बास्किंग एरिया एंड ऑल सब कुछ दिया हुआ है इसके अंदर। तो ये 2500 का है, 2500 का टोटल टाइम। तो अब आप क्या दिखाएंगे परवेश भाई? तो मैं पहले हमारे व्यूअर्स को दिखा देता हूँ कि यहाँ पे क्या लिखा है, न्यू टर्टल टैंक, न्यू टर्टल बैंक। तो ये देखेंगे हम इसके अंदर क्या है, मैं भी फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। तो परवेश भाई हमें दिखाएंगे कि इसके अंदर क्या है, जैसे कि इसका टाइटल जो है न्यू टर्टल बैंक लिखा हुआ है। ये मेरे ख्याल से बास्किंग एरिया जैसा है, ये मेरे ख्याल से बास्किंग एरिया जैसा है। तो ये क्या है परवेश भाई? ये टर्टल बास्किंग है। टर्टल बास्किंग है। ओके जैसा सबको ये डाउट रहता है कि टर्टल के लिए अलग टैंक ले, फिश के लिए अलग टैंक ले, तो अलग टैंक लेने की जरूरत नहीं है टर्टल के लिए। अच्छा उसके अंदर ही आप इसको टैंक के अंदर हैंग कर सकते हैं, स्टिक कर सकते हैं शक्कर रिंग की वजह से। अच्छा इसमें बेस्ट क्वालिटी का शक्कर रिंग दिया हुआ है। अच्छा ये इस तरह से आप लगा सकते हैं। ओके और इसको टैंक के अंदर हैंग चिटका सकते हैं। अच्छा कॉर्नर में। तो हम इसे ऐसे बास्किंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। बास्किंग के लिए नॉर्मल टैंक भी रहेगा उसके अंदर, जहाँ पे अंदर फिशेस रहेंगी तो हाँ। उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं इसको। तो इसको ऐसा फिट कराना पड़ता है पहली बात। हाँ। तो ये जो सकर है एक ग्लास के जहाँ जिस भी एंड पे आप चाहो स्टिक कर सकते हो, जहाँ पे आपको उसको स्टिक करना है कौन से टाइप में। एक्वेरियम के अंदर ऐसा स्टिक कर देना है। ओके तो ऐसा स्टिक करने के बाद जो पानी का लेवल है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि परवेश भाई ने इसको स्टिक कर दिया है। आपका जो भी टर्टल है वो आकर के इधर। अच्छा बैठ सकते हैं, इधर बैठ सकता है तो नीचे पानी का लेवल रहेगा। हाँ। तो ऊपर से वो आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से अभी पानी नहीं है इसके कारण वो ज़रा स्टिक नहीं हो रहा है, तो पानी के अगर रहेगा तो स्टिक हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, तो ये पानी में मेरे ख्याल से रहेगा तो स्टिक होएगा, राइट भाई? पानी के अंदर इसको पानी लगे वैक्यूम का तो ये बराबर स्टिक हो जाएगा। राइट तो पानी का लेवल है उसके थोड़ा सा ऊपर लगाना है, तो आपका कछुआ इस पे चढ़ के उसपे बैठ सकता है। तो बास्किंग एरिया जैसा ही हो सकता है, मन करेगा तो तैरने का वापस पानी में जाके तैर सकते हैं। सही बोले। तो अब परवेश भाई हमें बेटा हाउस दिखाएंगे, बेटा टैंक दिखाएंगे। यहाँ पे लिखा बेटा हाउस डबल, ये क्या चीज है आपके हाथ में भाई? ये बेटा टैंक है, पार्टीशन वाला। बेटा टैंक है तो बेटा फिश आराम से रख सकते हैं। ओके हाँ। बेटा का सेटअप टैंक है ये। हाँ। तो इसके बारे में बताइए हमें परवेश भाई। ये
बेटा पार्टीशन टैंक है, इसके अंदर आप दो पार्टीशन रख सकते हैं, दो बेटा फिश रख सकते हैं, एक इधर एक इधर। अच्छा हाँ, ये ऐसा सूटेबल है, पूरा निकाल के आप वॉश वगैरह कर सकते राइट। इन केस आपको पार्टीशन नहीं चाहिए तो पार्टीशन निकाल के आप रख सकते। अच्छा, तो वो पार्टीशन रिमूवेबल है। ओके, तो उसको जब हम चाहे तो निकाल भी सकते हैं, याद रख सकते हैं, दो बेटा फिश के अंदर रहेंगे राइट। ओके, तो इसकी क्या प्राइस है भाई? इसकी 250 प्राइस है, 250 रुपये, 250 रुपीज़ की बेटा टैंक है। ओके, जिसमें दो बेटा आराम से रह पाएंगे। अब ये दूसरा टैंक है, ये कौन सा टैंक है भाई? ये पोलो कंपनी का बेटा टैंक है। ओके, पोलो का बेटा टैंक है। अभी मैंने जो आपको दिखाया था वो पार्टीशन वाला था। हाँ जी, विदाउट पार्टीशन है ये, विदाउट पार्टीशन का। ओके, काफ़ी अट्रैक्टिव सा है टाइनी बेटा टैंक। तो भाई इसमें क्या दिया हुआ है अरेंजमेंट्स? इसके अंदर मतलब मोर स्पेस दिया हुआ है, पार्टीशन नहीं है, आप इसमें बेटा भी रख सकते हैं और गोल्ड फिश वगैरह चाहिए वो भी रख सकते हैं। अच्छा, छोटी गोल्ड फिश इसके अंदर रह पाएगी। बहुत लोग तो इसके अंदर टर्टल भी रख देते। अच्छा, ओके, तो एज ए मल्टीपर्पज़ यूज़ के। ओके, फॉर द मल्टीपर्पज़ यूज़ एज अ गोल्ड फिश टैंक या टर्टल टैंक भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, जिन लोग को मतलब छोटा टैंक चाहिए रहता है तो उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है ये। तो इसकी क्या प्राइस है भाई? इसकी भी 250 है। 250 रुपीज़ है इसकी प्राइस। ओके, तो ये था बेटा टैंक विदाउट पार्टीशन, जिसके अंदर आप दूसरी फिश भी, छोटी फिश डाल सकते हो, बड़ी फिश ना डालें। नाज़ एक्वेरियम हैव गॉट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैकग्राउंड और दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज एक्वेरियम पोस्टर्स और फिश टैंक पोस्टर्स। ये जो बैकग्राउंड पोस्टर्स है टैंक के पिछले साइड में लगते हैं। तो अभी परवेज भाई हमको बताएंगे कि ये कैसे काम करते हैं, उसको कैसे लगाते हैं। तो परवेज भाई, ये जो पोस्टर है इसके बारे में कुछ बताइए। ये डबल साइड पोस्टर है। डबल साइड पोस्टर है। हाँ। ओके, जो चाहिए आपको वो साइड से। अच्छा, तो ये ब्लू साइड भी है और पीछे ब्लैक साइड भी है। ओके, बैकग्राउंड है इसका, बैकग्राउंड ब्लैक है और इधर आपको मरीन्स कोरल वगैरह दिया हुआ है। ओके, मरीन कोरल्स वगैरह यहाँ पे दिया हुआ है। तो आपको ये मतलब जितने भी फिट का आपका टैंक है वो हिसाब से आप कट करके इसको सेलो टेप वगैरह से चिपका सकते हैं। ओके, इसको बैकग्राउंड पोस्टर दिया हुआ है। ओके, ब्लू बैकग्राउंड दिया, ब्लैक बैकग्राउंड दिया, आपको जो भी चाहिए वो साइज का, आपका जो भी एक्वेरियम है वो साइज से कट करके इसको आप इजीली सेलो टेप से स्टिक कर सकते हैं। ओके, तो इसको क्या विनाइल बैकग्राउंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नहीं नहीं, इसको विनाइल बैकग्राउंड नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं? इसको खाली बैकग्राउंड पोस्टर ही बोलते हैं। ओके, तो ये कैसे चीज है ये? अच्छा, इसको पेस्ट कैसा कराना रहता है? इसको पेस्ट नहीं करना है, अगर अंदर से लगाना है आपको इंडियन टैंक में तो आप इसको पेस्ट से लगा सकते हैं, लेकिन इंपोर्टेड टैंक में उसको ग्लू लगा नहीं सकते, इसके लिए उसको बाहर से सेलो टेप से स्टिक करना पड़ेगा। अच्छा, सेलो टेप से बाहर से स्टिक करना पड़ता है। ओके, तो इसकी कैसी आप सेल करते हो, फीट से? हाँ, इसके फीट से मतलब 30 रुपये 12 इंच के, 40। अच्छा, 15 इंच के। अच्छा, जैसा मतलब क्वालिटी का रहेगा उसके अकॉर्डिंग प्राइस बढ़ेगा। तो ये जो आपके हाथ में है इसकी कैसी पर फीट, 12 इंच की प्राइस कैसी है इसकी? 50 रुपीज़ पर फीट। 50 50 रुपये एक फीट का। हाँ। तो 50 रुपये के अकॉर्डिंग जैसा आपका बड़ा रहेगा तो वैसे आप ले सकते हो। तो आपको 50 रुपये एक फीट के ऊपर आपको ये पड़ेगा। तो ये नेक्स्ट बैकग्राउंड पोस्टर है फिश का है ये। तो भाई ये कौन सा है? ये 15 इंच का साइज में, हाइट 15 इंच है। हाइट 15 इंच है। हाँ। ओके, और ये भी एकदम ब्यूटीफुल है, मरीन फिशेस, मरीन फिशेस का पोस्टर है राइट। और इसके पीछे आपको मरीन व्हाइट कोरल दिखेगी, व्हाइट कोरल है पीछे। अच्छा, करके लगा सकते हैं। ओके, तो इसकी कैसी प्राइस है पर फीट? ये आपको 40 रुपीज़ पर फीट आएगा। 40 रुपये पर फीट का आएगा, 12 इंच का आपको आएगा 40 रुपये में, 40 रुपीज़। 15 इंच का 15 इंच इसकी हाइट है। तो आपको आपका जितना फीट का टैंक रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे छोटा वाला है ये पोस्टर। परवेज भाई ये कौन सा पोस्टर, इसकी क्या साइज है? ये 12 इंच की है, इसकी ऊंचाई 12 इंच है। अच्छा, 12 इंच है, यानी परफेक्ट 1 फीट की ऊंचाई है इसकी। ओके, तो इसकी कैसी प्राइस है? ये भी डबल साइड पोस्टर है। ओके, ओके, 30 रुपये फीट आएगा। 30 रुपये एक फीट का आएगा, एक फीट का यानी 12 इंच का आपको 30 रुपये में आएगा, 30 रुपये पर फीट में आपको आएगा। तो इसके पीछे डबल साइज पोस्टर है ये भी, पीछे ब्लैक बैकग्राउंड है, आगे ब्लू बैकग्राउंड है। तो इसकी क्या प्राइस आपने बताई थी? 30 रुपये। ओके, 30 रुपये। राइट नाउ नाज एक्वेरियम हैज़ गॉट न्यू स्टॉक ऑफ स्टोन्स। नाज एक्वेरियम में नए स्टोन्स आए, नए स्टोन्स का स्टॉक आया है, जो बड़े स्टोन्स हैं।
और लास्ट टाइम जब हमने एसेसरीज का शूट किया था तब ये स्टोन्स नहीं थे, तो अब इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे नए स्टोन्स जो बड़े स्टोन्स हैं। तो परवेज भाई अभी हमको ये सारे स्टोन्स दिखाएंगे, तो यहाँ पे इन्होंने लगा के रखे हैं सब। तो परवेज भाई एक के बाद एक आप बताएंगे आपके पास कौन से स्टोन्स आए, ये पहले तो बताइए। ये कलर स्टोन्स है, कलर स्टोन्स आए, काफ़ी साइज़ में बड़े हैं, काफ़ी खूबसूरत हैं, मतलब अट्रैक्टिव दिखेंगे अगर एक्वेरियम में आप रखेंगे तो। तो पहला ये जो आपके हाथ में है ये कौन सा स्टोन है, येलो कलर का? येलो फ्लोरोसेंट स्टोन है। फ्लोरोसेंट स्टोन, हाँ। ओके, तो ये कितने का आएगा? ये आपको 200 रुपीस केजी आएगा। 200 रुपीस पर केजी आएगा, ओके। अच्छा तो नेक्स्ट वाला? ये भी फ्लोरोसेंट है। ये भी फ्लोरोसेंट है, डबल कलर में इसको डिजाइन किया हुआ है एक्वेरियम के लिए। अच्छा, और ये ऐसा अंडे के टाइप में है स्टोन्स, ओके। इसको भी डबल साइज में प्रिंट अच्छा किया हुआ है, ओके। इसकी क्या वो सेम रेट है? सेम रेट है, 200 रुपीस केजी है। 200 रुपीस फॉर अ केजी, हाँ। ओके, और ये छोटे स्टोन है उससे अच्छा कलरफुल में। अच्छा, ये 150 पर केजी आएगा। 150 पर केजी से आएगा, 150 रुपये पर केजी। पर्पल कलर है, अच्छा, ग्रीन है, रेड, पिंक है, येल्लो है। अच्छा, 150 रुपये एक किलो के, ओके। तो ये सारे, ओके, तो ये सारे नए स्टोन्स जो बड़े स्टोन्स आए थे नाज एक्वेरियम में। तो अब परवेज भाई हमको एक साइफन पाइप के बारे में बताएंगे, ये क्या है भाई? ये साइफन पाइप है। अच्छा, वैक्यूम पाइप बोलते हैं। वैक्यूम पाइप, हाँ। ओके, इजी मेथड है पानी चेंज करने। हाँ हाँ, दिक्कत हो। अच्छा, तो बहुत लोगों को तकलीफ होती है पानी नॉर्मल पाइप से निकालने के लिए, तो ये कैसा काम करता है भाई? इसको इस तरह है ना, अच्छा, टैंक के अंदर डालना है। ओके, कौन सा वाला पार्ट डालना है? ये बड़ा वाला पार्ट, ये पार्ट, हाँ। ओके, और इसको फिर प्रेस करना है, प्रेस करना है, ओके, जो ब्लू वाला पार्ट है। अच्छा, पानी आउट हो जाएगा, ओके, तो ये गंदगी भी नहीं ले लेता है, सक करता है गंदगी, जहाँ जहाँ आपको एक्वेरियम में गंदगी है पाइप को बस टर्न करना है। अच्छा, तो इसका सक्शन पार्ट काफी बड़ा है, तो मेरे ख्याल से जो भी डर्ट रहेगा वो आराम से कर पाएगा। तो जो हम नॉर्मल पाइप होता है उससे हम जो मुंह से ही हम सक करते हैं और उसके बाद निकालते, काफी तकलीफ होती है, राइट? तो ये वाला काफी इजी मेथड है परवेज भाई सक्शन पाइप के लिए, एकदम इजी मेथड। अच्छा, ये कितने का पाइप रहेगा? जरूरत नहीं, खाली प्रेस करना, राइट, खाली प्रेस करना है, तो डॉट के अलोंग आपका जितना आपको जितना परसेंट पानी निकालना है उतना निकाल सकते हैं, सही बोले? हाँ सर। तो ये कितने का आएगा? 100 रुपीस का आएगा, 100 रुपए का आएगा, 100 रुपए का। ओके, तो ये 2-3 फीट का रहेगा शायद, हाँ। ओके, तो यहाँ पे चार साइज है फिश बॉल्स के परवेज भाई के पास, तो एक के बाद एक हमें ये दिखाएंगे। सबसे पहले हम छोटा बॉल दिखाएंगे, ये वाला बॉल जो है ये परवेज भाई, इसके अंदर मैं देख रहा हूँ कि स्टोन्स डाले हुए हैं और एक लिड भी है, क्या बोलेंगे इसके बारे में? ये 6 इंच का बाउल है, 6 इंच का, हाँ। इसके अंदर आपको कलर स्टोन्स आएंगे, ऊपर ये कैप आएगा, ओके, ये आपको 120 में आ जाएगा, 120 रुपए में आएगा, ओके। ये वाला ये दूसरा बॉल है, ये 8 इंच बोलते हैं, 8 इंच का है, हाँ। ओके, इसके अंदर भी आपको कलर स्टोन आएगा और ये ऊपर कैप आएगा, ओके, ये आपको, अच्छा, तो ये कलर स्टोन्स है इसके अंदर, हाँ। ओके, तो ये 8 इंच का है आपने बताया था, ये कितने रुपीस का है? आपको 150 का है, 150 रुपए का आएगा, 150 रुपीस का, ओके। तो उसके बाद में ये तीसरी साइज है, ये कितने इंच की है? 10 इंच की, ओके, आपको स्टोन आएगा, ऊपर कैप आएगा, ओके, स्टोन्स के साथ आएगा, कैप के साथ आएगा, ये 200 रुपए का है, ओके। उसके बाद ये सबसे बड़ी साइज है, ये 12 इंच की है, ओके, आपको बाउल आएगा, कैप आएगा, ओके, इसके अंदर आपको एक कैप मिलेगा और स्टोन्स भी मिलेंगे, ये 12 इंच का साइज है, राइट? तो ये कितने में आएगा परवेश भाई? 300 रुपए में आएगा, ओके। ये तो इनके पास हमने देखा कि चार साइजेस है, छोटी वाली, बड़ी वाली और सबसे बड़ी वाली। तो भाई कौन कितनी कितनी साइजेस थी आपने बताई? मेरे पास चार साइज है, ये 6 इंच का है 120 रुपये, 6 इंच का 120 रुपये का, ये 8 इंच का है 150 रुपये, 8 इंच का 150 रुपये का, ये 10 इंच का है 200 रुपये का, 10 इंच का 200 रुपीज़ का, 300 रुपये, 12 इंच का 300 रुपीज़ का, ओके। तो ये चार साइजेस थे इनके पास। तो ये था आज का वीडियो। तो परवेश भाई आज के वीडियो में हमने क्या क्या कवर किया एक बार फिर बताएंगे? टर्टल टैंक, टर्टल का बास्किंग एरिया और बेटा का पोलो टैंक और पार्टीशन वाले टैंक कवर किए और कलर स्टोन्स किए और कलर स्टोन्स किया और बॉल्स भी किए थे, साइफन पाइप्स भी किए थे। तो इतने सारे चीज़ हमने आज के पार्ट में कवर किए और भी एसेसरीज वाला पार्ट नेक्स्ट का आएगा। उससे पहले एंड करने से पहले परवेज भाई के आप व्यूवर्स को बता देंगे कि आपकी मिनिमम प्राइस क्या है डिलीवरी की? आप ऑल इंडिया डिलीवर करते, राइट? ऑल ओवर, हाँ, ऑल ओवर इंडिया
इंडिया डिलीवरी हो जाएगा आपको, 2000 का मिनिमम ऑर्डर रहना चाहिए और जो प्लस डिलीवरी चार्ज लगेगा। अच्छा, डिलीवरी चार्ज जो पैकेजिंग चार्ज और ट्रांसपोर्ट चार्ज का वो अलग रहेगा, पर मिनिमम अगर लेना है तो 2000 चार्जेस होना चाहिए। और ये वीडियो में आपने जो कुछ भी दिखाया वो सारा आप ऑल इंडिया कहीं पे भी डिलीवर कर सकते हैं, राइट? ओके, तो ये था आज का वीडियो। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए और एसजी इंसेप्शंस को सब्सक्राइब करना ना भूलें एक्वेरियम वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।